इस लेटर को सोशल मीडिया पे देखने के बाद मुझसे काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि इसका इफ़ेक्ट उस पर पड़ेगा जो हमारा केस है। तो इसका इफ़ेक्ट बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो सीनियर पीएसटी हैं वो बेचारे इस वक्त तक 9th स्केल में काम कर रहे हैं, और जो नए हमारे दोस्त आए हैं वो 14th स्केल में, उन्होंने आर्डर लिया है और बहुत सारी जगह पे अपॉइंटमेंट भी हो गई है। तो एक ही स्कूल में दो टीचर प्राइमरी हैं, एक सीनियर है 2008 से, और दूसरा जो कि कल अपॉइंटमेंट हुआ है वो 14th स्केल में है, और उसको आप प्रमोशन भी नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि हम 14th स्केल पर जो JEST हैं वो 100% जो है वो नए लोग उठाएंगे, तो आपको जो है वो कम से कम उसको प्रमोशन दें, उसको 14th स्केल तो दें। तो ये जो गवर्नमेंट ने, तो इससे जब उनको 14th स्केल मिलेगा तो कुछ जो है वो राज़ी हो जाएंगे, और उम्मीद है कि नेक्स्ट हियरिंग तक जो है उनका मसला जब हल हो जाएगा तो वो एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करके, जो गवर्नमेंट का एडवोकेट है और जो PST साइड का है, इंशाल्लाह साथ मिलकर, क्योंकि ये उनका हक है। जो न्यू PST अगर 14th में आए हैं तो जो पीछे वाले जो कैंडिडेट हैं उनको आप जो है वो JEST प्रमोट नहीं कर रहे, तो कम से कम उसको उनको 14th स्केल तो दें। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल PSTs, दे विल गेट 14th स्केल एंड इंशाल्लाह यू विल विन द केस ऑन 29th मार्च, एंड इंशाल्लाह 100% सीट्स विल बी गिवन टू यू इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।